पिछले 3 दिनों में पुतिन की 3 ऐसी मीटिंग हुई है जिसके बारे में जानकर अमेरिका और उसका नाटो ग्रुप बहुत ज्यादा दहशत में है। पुतिन ने सीधे सीधे परमाणु खतरे की तरफ आगाह कर दिया है। यूक्रेन के बहाने पुतिन क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली हैं जो आपको भी हैरान कर देंगी। देखिए रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की की मिसाइल का जवाब एटम बम। पुतिन के वॉर ट्रैप में फंसा सुपर पावर। वॉशिंगटन को दहलाएगा पुतिन का मिसाइल मैन। यूरोप में अमेरिका से छल, नेटो की जमीन खिसकी। रूस ने आरपार की जंग शुरू कर दी है। यूक्रेन के कई शहर आतिशी अग्निबाण की मार झेल रहे हैं। ओडेसा में पुतिन की क्लस्टर वॉरहेड के सीरियल धमाके शुरू हो चुके हैं। क्लस्टर वॉरहेड से लैस मिसाइलों की मार के साथ यूक्रेन के ओडेसा में शाहिद और कामिकेज से बारूदी रॉकेट की बौछार हो रही है। रूस ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया को KH-59 गाइडेड मिसाइल से दहलाया है। ज़ापोरिज़िया और ओडेसा में बरस रहा बारूद रूस के क्राइमिया से शुरू हुए हमले के आगे कुछ भी नहीं। क्राइमिया से पुतिन आर्मी इस्कंदर मिसाइलों को अंधाधुंध दाग रही है। रूस के आक्रमण में आई तेजी की वजह भी भयानक है। यूक्रेन डिफेंस फोर्सेस ने रूसी हमले की जो डिटेल दी है उसके मुताबिक यूक्रेन के रक्षा बलों, जिसमें विमान रोधी मिसाइल इकाइयां, मोबाइल फायर ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शामिल है, रूसी KH-59 मिसाइल और 10 हमलावर ड्रोन को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। यह हमले निप्रो पेट्रोस्क, सुमी, पोल्तावा और माइकोलाइव इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम किए गए हैं। चौदह सितंबर की शाम से रूस के हमले में तूफानी तेजी आई है। इन हमलों में यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर आम नागरिकों की जान ली है। ओडेसा में रूसी अटैक में एक नवविवाहित जोड़े की मौत की जानकारी भी यूक्रेन ने दी है। रूस के मिसाइल हमले में ओडेसा की बहुमंजिला इमारतों में बने दफ्तर तबाह हुए हैं। ओडेसा मिलिट्री चीफ ओले कीपर ने दावा किया है कि रूस ने ओडेसा के बाहरी इलाकों में ऐसी मिसाइलें दागी हैं जिनमें क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल हुआ है। क्लस्टर वॉरहेड ऐसा हथियार है जिसके एक वार से कई धमाके किए जाते हैं। असल में क्लस्टर बम लॉन्च होने के बाद धमाके से पहले कई छोटे बमों में बदल कर तबाही मचाता है। रूस युद्ध में पश्चिमी देशों के हथियारों के इस्तेमाल से भड़का हुआ है। यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका और पश्चिमी देशों को क्लियर मैसेज देने के लिए पुतिन ने हमले की धार तेज कर दी है। हालांकि इसके बावजूद भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी है। स्वीडन ने यूक्रेन को CB-90 बैटलशिप की नई खेप भेजी है। कॉम्बैट बोट 90 हाई स्पीड एम्फीबियस लैंडिंग क्राफ्ट है। यह 18 पैराट्रूपर्स को पूरे गियर में ले जाने की क्षमता रखता है और 4.5 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। CB-90 तीन बड़े कैलिबर ब्राउनिंग M2HB मशीन गन से लैस है। इसके अलावा 40mm MK-19 ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी इसमें लगाया जा सकता है। रिमोट कंट्रोल्ड बैटलशिप 360 डिग्री में हमला करने की ताकत रखती है। इस बैटलशिप का इस्तेमाल टोही जल क्षेत्रों में खनन और दुश्मन की निगरानी के लिए भी किया जाता है। काला सागर में ये बैटलशिप रूसी नेवी हमले का मुकाबला करेगी। यूक्रेन को मिल रहे घातक हथियारों ने रूस की टेंशन बढ़ा रखी है, जिसे रोकने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत भयानक वार्निंग भी दी है।
खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि वॉर जोन में ज़ेलेंस्की सेना लॉन्ग रेंज मिसाइल के हमले बंद नहीं करती है तो बहुत जल्द परमाणु धमाका भी मुमकिन है। इसी टेंशन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन में मैराथन मीटिंग का दौर भी चला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने वॉशिंगटन में रूस यूक्रेन युद्ध पर लंबी बैठक की है, जिसमें दोनों लीडर ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल के हमले पर ब्रेक लगाने के लिए मनाने का प्लान बनाया है। बाइडन स्टार्मर मीटिंग में यूक्रेन को लंबी दूरी की अमेरिकी ATACMS और ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी देने पर गहन चर्चा हुई है। मीटिंग के बीच प्रेसिडेंट बाइडन ने युद्ध में रूस की हार की भविष्यवाणी भी कर दी, क्योंकि यूक्रेन लंबे समय से अमेरिका और ब्रिटेन से लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाजत मांग रहा है। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें इस्तेमाल की इजाजत भी दी गई है, लेकिन सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ अपनी ही सीमा के भीतर। बाइडन मानते हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल वॉर में गेम चेंजर साबित हो सकती है। I don't think much about Vladimir Putin. The United States is committed to standing with you to help Ukraine as it defends against Russia's onslaught and aggression. Clear that Putin will not make it clear. Putin will not prevail in this war, and the people of Ukraine will prevail. हालांकि सुपर पावर अमेरिका को अंदाजा नहीं कि उसके हथियारों के जवाब में जो होगा वो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत से कम नहीं। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले किए तो तय माना जाएगा कि हमला पश्चिमी देशों और अमेरिका ने किया है। इस हमले के जवाब में रूस न्यूक्लियर धमाके करने से नहीं रुकेगा। और उधर इस हमले के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि आपको बता दें कि ब्रिटेन और अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइल अटैक को ग्रीन सिग्नल दिया, तो रूस भी परमाणु गोदाम खोलने में देरी नहीं करेगा। देखिए रिपोर्ट। पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं, इसे यूक्रेन की बर्बादी साबित करती है। अगर ब्रिटेन और अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइल अटैक को ग्रीन सिग्नल दिया तो रूस के परमाणु गोदाम खुलेंगे। रूस के एटम बमों की पावर पूरे यूरोप को बर्बाद कर सकती है। प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर धमाके की धमकी इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि सोवियत संघ के पतन के बाद से रूस ने कभी एटम बमों का टेस्ट नहीं किया है। प्रेसिडेंट पुतिन अमेरिका और नेटो से सीधे टकराने का पूरा मन बना चुके हैं। इसे हाल में की जा रही रूस की गुटबाजी से भी समझा जा सकता है। रूस ने महायुद्ध के लिए अपना खेमा बेहद मजबूत बना लिया है। प्योंगयांग से आई ये तस्वीर देखिए। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु की मुलाकात हुई है। इससे पहले प्रेसिडेंट पुतिन खुद किम जोंग से मिलने जा चुके हैं। रूस ने किम के साथ ईरान को भी अपने पाले में लाकर अमेरिका की दुगदुगी बढ़ा दी है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस और ईरान में न्यूक्लियर डील हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और रूस में सीक्रेट एटमी डील हुई है, जिसके तहत रूस ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम की तकनीक साझा करेगा। इसके एवज में ईरान रूस को लॉन्ग रेंज मिसाइल से मदद पहुंचाएगा। फिलहाल ईरान से रूस को फतेह 360 मिसाइलें मिल रही हैं। किम जोंग उन एटमी पावर रखते हैं। ईरान को रूस न्यूक्लियर पावर से लैस कर अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ वॉर जोन में उतार सकते हैं। पुतिन के इस वॉर प्लान से ज़ेलेंस्की और पश्चिमी देशों के होश उड़े हुए हैं, जबकि अमेरिका पुतिन को वार्निंग देना बंद नहीं कर रहा। Mr. Putin is so concerned about the safety and security of Russian sites and cities, the easiest way to alleviate those concerns is